नहीं, अभी तो रूटीन संगठन की दृष्टि से मेरा प्रवास है, तो आज हमने अभी सभी महामंत्रियों के साथ बैठक की, अभी सभी हमारे लोकसभा के कैंडिडेट थे उनके साथ बैठक है, कल सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक है, और आने वाले दिन में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत हो इसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारी मीटिंगें उस दृष्टि से आने वाले दिनों की रणनीति बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, पार्टी मजबूत कैसे कर रही है, क्या कहेंगे कि और पार्टियों से भी कुछ नाराज लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसी भी कोई जानकारी है? क्या कुछ और पार्टियों से नाराज होकर लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी भी नहीं? वैसे भाजपा ज्वाइन तो बहुत लोग कर रहे हैं, करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों में सभी अलग अलग प्रश्नों समस्याओं के कारण लोग सोच छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी आज मेरे जो प्रवास है उसमें कोई जोड़ने की बात नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन वधु मजबूत बने, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक मंडल में यानी कि तहसील में, प्रत्येक जिला में, सभी मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से आगे बढ़े, इसके बारे में हम लोग अभी प्रयत्न कर रहे हैं। जी, बीजेपी को लेकर के कहा जा रहा है कि नागपुर से साजिशें हो रही हैं पंजाब को लेकर के, अकाली दल ने तो अपनी पार्टी को लेकर के तक कह दिया कि नागपुर से जो साजिश की जा रही है। देखिए, अकाली दल 27 साल तक हमारे साथ रहे, उस वक्त कोई तकलीफ नहीं थी, उस वक्त नागपुर नहीं याद आया उनको, और दूसरा अपनी पार्टी को वो संभाल नहीं सकते हैं, अपने पार्टी में से पुराने जो साथियों जिन्होंने अकाली दल खड़ा किया वो नाराज होकर अकाली दल से निकल गए, और अकाली दल वैसे भी विधानसभा चुनाव में भी बहुत पीछे रह गए, लोकसभा चुनाव में भी एक ही सीट उनको मिला, तो इसका मतलब ये अकाली दल की स्थिति अच्छी नहीं है, और मैं विनती करता हूँ कि अपनी पार्टी को संभालिए, बीजेपी को दोष मत दीजिए। बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं है, लगातार यही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इन जनरल सभी स्टेटों को जो मिलता है वो पंजाब को भी मिल रहा है, पुरानी आदत है उनकी आम आदमी पार्टी की, वो भानाबाजी कर रहे हैं, जो वादा उन्होंने लोगों के साथ किया है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी स्टेटों को जो मिला है वो पंजाब को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा देखने के लिए परमिशन नहीं दी गई, वो उसका कारण वो बताया ना कि सुरक्षा का कारण है इसलिए नहीं दिया।